बड़े बड़े वादे किए गए थे और कहा था कि अब बस कुछ दिनों की बात है, फिर इस देश से काला धन और भ्रष्टाचार देखने को भी नहीं मिलेगा। हमने भी इस पर विश्वास किया। अब जो ये ऐतिहासिक कदम सरकार कह रही थी हमने उठाया है कि जिसकी वजह से अब काला धन और भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, उस ऐतिहासिक कदम पर भी बात करने से भी सरकार कतरा रही, उससे बच रही। आपको अगर नहीं याद आया है तो एक छोटी सी क्लिप देखिए, उसके बाद बात करेंगे और आज जो बताऊंगा उससे आपका दिमाग भी हिलने वाला है। भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। काले धन और जाली नोट कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। अब तो आपको याद आ ही गया होगा कि 8 नवंबर 2016 की वो रात जब डीमोनेटाइजेशन किया गया था और 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, उसके बाद हुआ क्या और क्या उम्मीद थी सरकार को? सरकार को उम्मीद थी कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए जो काला धन है, ब्लैक मनी है देश में, वो बाहर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये खुद सरकार भी मानती है, सरकारी आंकड़े मानते हैं। आरबीआई ये कहता है कि जितनी जितना जो पैसा है हमारे हिसाब से सर्कुलेशन में था वो सारा वापस आ गया है, तो इसका मतलब ब्लैक मनी था ही नहीं या पूरा पैसा आरबीआई के पास वापस आया। ये आरबीआई के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। चलिए ठीक है, वो डिमोनेटाइजेशन की बात थी, वो आई गई, बात हो गई, वो चली गई। लेकिन अब आरबीआई क्या कह रहा है? अब आरबीआई जो कह रहा है, जो मान रहा है, जो उसने ऑफिशियली कहा है, वो हैरान कर देने वाला है। आरबीआई ये कह रहा है कि उस समय तो काला धन था ही नहीं, जो 3 से 4 लाख करोड़ रुपए वापस आने थे वो तो कोई काला धन मिला ही नहीं डिमोनेटाइजेशन के समय में। अब क्या हो रहा है? अब आरबीआई ने, बैंकों ने आरबीआई को जानकारी दी है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम से 9.21 लाख करोड़ रुपए, 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे हमारे सिस्टम में नहीं है, वो कहाँ गए हैं हमें कुछ पता नहीं। मतलब भारत के बैंकिंग सिस्टम से 9 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए कहाँ हैं, ना तो वो आरबीआई को पता है, ना बैंकों को पता है, ना सरकार को पता है, किसी को भी पता नहीं है कि वो पैसे गए कहाँ। अब हुआ क्या? 500 और 2000 के नोट, ये जो नए नोट छापे गए थे और ये कहा गया था कि अब इससे भ्रष्टाचार और काले धन पर लगाम लगेगी, इससे जो फेक करेंसी नोट्स हैं वो बंद होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 की एक रिपोर्ट ये कहती है कि 500 रुपये के नकली करेंसी नोटों में, जो फेक नोट्स हैं, उनमें 103 गुना तक की बढ़ोतरी मिली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आरबीआई के पास बैंकों से पैसा, आप बैंकों में पैसा जमा करते हैं, बैंकों से वो पैसा आ जाता है आरबीआई के पास, तो आरबीआई ने जब उस पैसे को काउंट किया या उस पैसे का जब हिसाब रखना चाहा, तो उसने देखा कि जो 2000 के नोट है वो 79,836 नोट
और 500 के 1,81,000 नोट आरबीआई को जाली मिले, फेक करेंसी नोट्स मिले। अब ये जब नोट फेक मिले तो खुद बैंकों को भी ये पता नहीं था कि उनके पास जाली नोट आए हैं, ये तो आरबीआई को पता चला जब उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस की। और जब जैसे न्यू मनी, नई पैसा जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो पुराने को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उन्होंने देखा कि इस सीरियल नंबर के या ऐसे नोट्स तो हमने कभी छापे ही नहीं। तो ये तो था एक एस्पेक्ट फेक करेंसी का। दूसरी चीज कि वो तो जुमला आपने देखा ही था, जब 2000 के नोट आए थे तो मीडिया प्लेटफॉर्म्स कह रही थी कि इसमें चिप डली होगी और चिप का सिस्टम होगा, सैटेलाइट से कनेक्टेड होगा, कैसे पता लग जाएगा कि ये जो नोट है ये आपकी जेब में रखा हुआ है, आपके पर्स में रखा हुआ है, आपकी तिजोरी में रखा हुआ है, और न जाने क्या क्या क्यास लगाए जा रहे थे। तो वो तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अब ये जो बड़ा घोटाला कहें या ये जो बड़ा सरकारी फेलियर है, मैं कहूँ सबसे बड़ा अभी तक का फेलियर है, वो ये कि 9,00,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए गए कहाँ, ये किसी को भी कोई भी हिसाब किताब नहीं है। और एज ए ब्लैक मनी, सरकार खुद ये कह रही है कि हमें पता नहीं है, तो ये एज ए ब्लैक मनी पब्लिक के बीच कहीं ना कहीं है, लेकिन हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब पता कैसे, मतलब इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि 2000 आरबीआई ने बताया है, ये आरबीआई के स्टैटिस्टिक्स हैं, 2016 से अब तक 500 के और 2000 के 6,849 करोड़ करेंसी नोट छपे। मैं नंबर की बात कर रहा हूं, जैसे 500 के एक नोट, दो नोट, 10 नोट, 1,000 नोट, 1,00,000 नोट ऐसे, और 2,000 के भी 6,849 करेंसी नोट छपे हैं, जिनमें से 1,680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट अभी सरकार की सर्कुलेशन में नहीं है कहीं पर भी ऑफिशियली, मतलब वो गायब है। और इन 1,680 करोड़ नोट की जो वैल्यू है वो है 9.21 लाख करोड़ रुपए। अब ना तो बैंक के पास, ना आरबीआई, ना सरकार के पास, किसी के पास भी इसका कोई डेटा नहीं है। अब ये हमारी व्यवस्था का, ये हमारी सरकार का फेलियर है या किसका फेलियर है, ये आप तय कीजिए। 2019 के बाद सरकार ने कोई भी 2000 का नोट नहीं छापा है। क्यों? क्योंकि सरकार खुद ये मानती है, आरबीआई खुद ये मानता है कि इस नोट को स्टोर किया जा रहा है, एज ए ब्लैक मनी स्टोर किया जा रहा है, और ये हमारे पास वापस नहीं आ रहा। तो आप देख रहे होंगे कि जब भी आप बैंक से पैसे निकलवाने जाते हैं, जब भी आप एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, तो आपको कभी भी 2000 का नोट नहीं मिलेगा। जब आप बैंकों में भी 2000 का नोट जमा करते हैं तो वो आरबीआई के पास चला जाता है, आरबीआई उसको अपने पास रख लेती है और कुछ समय के बाद डिस्ट्रॉय कर देती है, और नए नोट आरबीआई ने 2000 के नए नोट छापना बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि ये ब्लैक मनी को बढ़ा रहा है। अब ये जो 9,00,000 करोड़ से ज्यादा रुपए बैंकिंग सिस्टम से गायब हुए हैं, ये फेलियर चाहे किसी का भी हो, ये ब्लैक मनी चाहे किसी के पास भी हो, किसी बाबू के पास हो, किसी ब्यूरोक्रेट के पास हो, आईएएस ऑफिसर के पास हो, किसी बिजनेसमैन के पास हो, इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? अब आप कहेंगे हम क्यों भुगतें, कहना भी सही है, मानना भी सही है कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम क्यों भुगतें। मेरा कहना ये है कि ये जो 6,849 करोड़ करेंसी नोट छपे थे, इनमें से जो 1,680 करोड़ करेंसी नोट्स वापस सिस्टम में नहीं गए हैं, तो इनकी जो छपाई का खर्चा है, जो इनके और खर्चे हैं, जो करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करने में, डिलीवर करने में खर्चे आते हैं, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ों रुपए जो खर्च होता है, वो किसके टैक्स का पैसा था, या जो अब नुकसान आरबीआई को हुआ है, सरकार को नुकसान हुआ है, तो वो किसके पैसों का नुकसान हुआ है, वो किसके टैक्स का पैसा था, और वो किससे कलेक्ट किया जाएगा। अब आप तो कह देंगे कि आपकी गलती नहीं, आपकी गलती हो चाहे ना हो, लेकिन ये पैसा भी आपसे ही लिया जाएगा, इसकी भरपाई भी आपसे ही की जाएगी। फेलियर बेशक किसी का भी हो, पैसे किसी के पास भी हो, ये 9,00,000 करोड़ रुपए किसी के पास भी गए हों, लेकिन अब इसकी भरपाई आप करने वाले हैं, और शायद ये अभी तक का सबसे बड़ा फेलियर है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।